हेलो, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू शिक्षार्थ। केमिस्ट्री लेक्चर की सीरीज में आज हम अपना नेक्स्ट लेक्चर लेके आए हैं, जो कि है सॉलिड स्टेट, दैट मीन्स कि ठोस अवस्था से संबंधित। दोस्तों, ये लेक्चर आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप आरपीएससी के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड, सेकेंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सभी के लिए। लैब असिस्टेंट के लिए दोस्तों ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमने पूरा सिलेबस डिज़ाइन किया। उसके अलावा दोस्तों, एसएससी सीजीएल आने वाला है, एसएससी सीएचएसएल आने वाला है, तो इन दोनों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साइंस के आजकल क्वेश्चंस का जो लेवल है वो काफ़ी अप हो गया है, तो आपके लिए बहुत यूजफुल है। दोस्तों, रेलवेज में ऑलरेडी बहुत अच्छी साइंस आती है, तो आप अगर रेलवेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दैट मीन्स आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन करें और उसमें अगर जनरल साइंस आती है, चाहे वो आरएएस हो, आईएएस हो, जिसमें भी जनरल साइंस आती है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको एक बार स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा प्लीज़, और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। उससे क्या होगा, आपको हमारे चैनल के जो भी नोटिफिकेशंस है वो टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे, सारी न्यूजेज, कौन सी रिक्वायरमेंट है, किसकी क्या कट ऑफ जाने वाली है, पेपर एनालिसिस, सब कुछ आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा, और साथ में अच्छे से अच्छे लेक्चर्स भी आपको प्रोवाइड होते रहेंगे, ताकि आपको आपकी तैयारी में बहुत ही हेल्प मिल सके। इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन जरूर से प्रेस कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं दोस्तों, हम अपने इस लेक्चर में पढ़ने वाले हैं सॉलिड स्टेट के बारे में, जिसे हम ठोस अवस्था बोलते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम कवर करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, ठोसों के क्या गुणधर्म होते हैं, किस टाइप की प्रॉपर्टीज होती है जिन्हें हम सॉलिड्स बोलते हैं। उसके बाद दोस्तों हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन के बारे में, ठोसों का वर्गीकरण कितने टाइप में किया गया है। उसके बाद दोस्तों हम डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, कि कौन कौन सी त्रुटियां इनमें सॉलिड्स में हो सकती है। हमारे सिलेबस में स्पेशली मेंशनड है फ्रेंकल और शॉटकी, इनको हम थोड़ा डिटेल में ज़्यादा जाएंगे। बाकी हम सारी स्टाइकियोमेट्रिक, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक सारे डिफेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में दोस्तों हम पढ़ेंगे यूनिट सेल्स एंड देयर टाइप्स के बारे में, कि इकाई कोशिका, ठोस जिससे मिलके बने होते हैं, वो सब किस प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल संकुलन के बारे में दोस्तों हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे, कितने टाइप का होता है, SCPV, ये सब हम अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, सबकी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखेंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट में हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ आयनिक कंपाउंड, जैसे कि NaCl की कंपाउंड की स्ट्रक्चर, ZnS की स्ट्रक्चर, ये सब हम कवर करने वाले हैं अपने इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो थोड़ा लंबा जा सकता है, तो हम हो सकता है इसे दो पार्ट में भी रख सकते हैं, वो डिपेंड करता है टाइमिंग पे, पर आप वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर एक पार्ट में आता है तो भी लास्ट तक देखिएगा, अगर दो पार्ट में आता है तो दोनों पार्ट्स को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और यहाँ से क्वेश्चन आपका 100% सही होने वाला है, और आपका पूरे क्वेश्चन कवर कराने की हम कोशिश करेंगे। जैसे ही हमारा सिलेबस कवर हो जाए दोस्तों, इसके बाद में हमारे पास में सिर्फ 3 यूनिट्स बची है, सॉल्यूशन, हाइड्रोकार्बन और नॉमेनक्लेचर। तो वो जैसे ही कंप्लीट होते हैं 3 यूनिट्स, उसके बाद में हम आपके लिए एक बहुत अच्छी टेस्ट सीरीज लेके आएंगे, और टेस्ट सीरीज में हम आपको कोशिश करेंगे कि सारे जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं और आने वाले, उन सबको कवर करें। तो ये स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट्स। सबसे पहले सॉलिड स्टेट होता क्या है दोस्तों, हम अपने चारों तरफ देखते हैं कितने सारे मटेरियल होते हैं, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स। तो सबसे ज़्यादा तो हम सॉलिड्स ही पाते हैं अपने चारों तरफ, जितने भी हमारे चारों तरफ सराउंडेड मटेरियल्स हैं वो मैक्सिमम उनमें से सॉलिड्स होते हैं। तो सॉलिड्स और देखो लिक्विड और जो गैसेस होते हैं, लिक्विड और गैसेस, उनको हम बोल सकते हैं, उन्हें फ्लूइड्स बोल सकते हैं। क्यों इन्हें हम फ्लूइड्स इसलिए बोल सकते हैं, क्योंकि ये फ्लो करते हैं, ये बहते हैं। गैसेज और लिक्विड्स इस प्रकार से बह सकते हैं, लेकिन जो सॉलिड्स हैं वो बह नहीं सकते, उन्हें हम फ्लूइड्स नहीं बोल सकते, क्योंकि ये फ्लो नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ दोस्तों कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, ये ऑसिलेट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि इनका कोई एक मेन, अपनी एक डायरेक्शन हो, उसके थ्रू ये ऑसिलेट कर सकते हैं, फ्लो नहीं कर सकते हैं सॉलिड्स। ये सॉलिड्स और लिक्विड्स में काफ़ी ये वाला मेनली डिफरेंस होता है। सॉलिड्स में क्या होता है फ्रेंड्स, सॉलिड की जो स्ट्रक्चर होती है, लेट अज्यूम ये कोई वुडन बॉक्स है, ये एक सॉलिड है, तो इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, पार्टिकल्स जिन्हें हम बोलते हैं, ये क्लोज पैक्ड होते हैं, इनके बीच में स्पेस नहीं होता है, क्लोज पैक्ड होते हैं। इनके बीच के जो बॉन्ड्स होते हैं वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं फ्रेंड्स, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, इसीलिए इनमें रिजिडिटी भी पाई जाती है। क्या पाई जाती है दोस्तों, रिजिडिटी, जिसे हम बोलते हैं दृढ़ता, इसीलिए सॉलिड दृढ़ होते हैं। तो हमने क्या देखा, लिक्विड और गैसेस को हम फ्लूइड्स बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है कि इन्हें फ्लूइड्स क्यों बोलते हैं, जबकि सॉलिड्स को फ्लूइड्स क्यों नहीं बोलते। सॉलिड सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं अपने किसी फिक्स पोजिशन के बेसिस पे। दोस्तों, इनकी प्रॉपर्टीज हम देख लेते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। ठोस पदार्थों में अंतरा आणविक बल जो होते हैं वो प्रबल होते हैं, जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया, एक वुडन बॉक्स है, ये इसके पार्टिकल्स हैं। तो दोस्तों हमने देखो, ये हम तीनों का एक बार ड्रॉ कर लेते हैं एक साथ,
लेट अज्यूम ये हमारी गैसेस हैं, सॉलिड्स हैं और ये है लिक्विड। तो गैसेस के हमने देखा था कि इनके बीच में जो अंतरा-अणु बल होते हैं ये बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि इनमें जो डिस्टेंस होती है पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा होती है। इनके बीच में तो ओनली वॉन डेर वाल फोर्सेस थे, जबकि लिक्विड्स में हमने देखा कि थोड़े ये करीब होते हैं, इनके काफ़ी स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होते हैं जितने के सॉलिड में होते हैं। तो कंपैरेटिवली सबसे जो स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है इंट्रीमोलिक्यूलर, दैट मीन्स कि अंतरा आणविक बल, वो सबसे सॉलिड होते हैं, सबसे जो स्ट्रांग होते हैं वो सॉलिड्स में होते हैं, इसीलिए इनकी डिस्टेंस भी बहुत कम होती है, एकदम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर होती है फ्रेंड्स सॉलिड्स में। बिल्कुल ही ये जो मॉलिक्यूल्स हैं पार्टिकल्स एक दूसरे के एकदम करीब होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, बिल्कुल एकदम क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स होती है, स्ट्रॉन्ग फोर्सेस होते हैं। ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी प्रॉपर्टी हम देखते हैं, इनके बीच में अंतरा आणविक दूरी लघु होती है। हमने अभी भी एक्सप्लेन किया कि इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो बहुत कम होती है। इनका द्रव्यमान, आकार, आकृति और आयतन ये सभी निश्चित होते हैं, फिक्स होते हैं, जबकि गैसेस में नहीं था, कुछ भी फिक्स नहीं था। और लिक्विड में दोस्तों आयतन फिक्स था लेकिन आकृति आकार फिक्स नहीं थे। सॉलिड में मास भी इनका फिक्स होता है, शेप इनकी फिक्स होती है, अगर कोई सॉलिड है वो ट्रायंगल है तो ट्रायंगल ही रहेगा, अगर स्क्वायर है तो वो स्क्वायर ही रहेगा, उनका शेप भी होता है फिक्स, उनको हम हालांकि तोड़ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हम इसे किसी दूसरे पात्र में डालें तो वो उसका आकार ग्रहण कर लेगा, लिक्विड्स की तरह बिल्कुल भी नहीं, ना ही गैसेस की तरह कि हम इन्हें खुला छोड़ दें तो ये पूरे अनंत तक प्रसारित होती जाएंगी, ऐसा भी नहीं होता। सॉलिड का एक फिक्स आकार होता है, इनका फिक्स वॉल्यूम होता है, इनकी फिक्स शेप होती है। तो ये सारी चीज़ें, शेप, स्ट्रक्चर, मास और वॉल्यूम सभी फिक्स होता है सॉलिड्स में। ये असंपीड होते हैं दोस्तों, ये संपीड नहीं होते और दृढ़ होते हैं, रिजिड होते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था, ये रिजिड होते हैं। इनके अवयवी कणों, दैट मीन्स कि परमाणु, इनके अवयवी कण कौन कौन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, आयन मॉलिक्यूल और एटम कुछ भी हो सकते हैं। इनकी स्थितियाँ निश्चित होती हैं कि ये जो परमाणु कण कहाँ प्रेजेंट होंगी, जैसे कि यहाँ पे प्रेजेंट होना तो यहीं पे होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हो जाएगा। इनकी जो स्थितियाँ होती हैं, इनकी पोजीशन जो होती है वो फिक्स होती है फ्रेंड्स इनके पार्टिकल्स की। पार्टिकल में कुछ भी हो सकता है, आयन हो सकता है, एटम हो सकता है या फिर मॉलिक्यूल हो सकता है। यह कण केवल अपनी माध्य स्थितियों के चारों ओर दोलन कर सकते हैं, जैसा कि हमने देखा ये सिर्फ और सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, ये फ्लो नहीं कर सकते। और भी दोस्तों हम कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या स्टडी करने वाले हैं। हम मोस्टली जो इस चैप्टर में स्टडी करेंगे वो करेंगे कि सॉलिड्स की जो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट डिफरेंट इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में स्टडी करेंगे। वो क्यों होती है, क्योंकि इनकी जो पार्टिकल का अरेंजमेंट होता है ना, दैट्स वाई इनके टाइप्स हो जाते हैं, इनमें डिफेक्ट हो जाते हैं, इनकी जो भी कोई फिक्स प्रॉपर्टी होती है वो सब इनके पार्टिकल के अरेंजमेंट की वजह से होती है, तो उसी के बारे में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सॉलिड्स को। तो अगर हम सॉलिड से क्लासिफिकेशन की बात करें, ठोसों में वर्गीकरण, तो दोस्तों आंतरिक संरचना के आधार पर कि इनकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, उस बेसिस पे इन्हें दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स दैट मीन्स की क्रिस्टलीय ठोस एंड अमॉर्फस सॉलिड्स दैट मीन्स की अक्रिस्टलीय ठोस। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में देख लेते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, सॉरी। तो ये क्या होते हैं दोस्तों, इनमें क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में यूजुअली लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल जो क्रिस्टल्स होते हैं उनका एक फिक्स अरेंजमेंट होता है इस प्रकार से, जैसे कि अगर ये अरेंजमेंट चल रहा है फिक्स, तीन होंगे उनके साथ में दो होंगे और फिर एक होगा, तो यही ये जो अरेंजमेंट है ये ही चलता रहता है, ये एक फिक्स अरेंजमेंट है, ये अपने आप को रिपीट करता है बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक। कहाँ तक दोस्तों, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस तक, जितना भी हमारा सॉलिड होता है, जितनी भी उसकी लेंथ होती है, वहाँ तक वो अपने आप को एक फिक्स अरेंजमेंट में रिपीट करते हैं, इन्हें ही हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं दोस्तों। इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर क्वार्ट्ज, इसका एग्जाम्पल हो सकता है। तो दोस्तों हमने क्या देखा कि ये अपने आप को रिपीट करते हैं, एक पर्टिकुलर शेप को, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट को लॉन्ग डिस्टेंस तक रिपीट करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड या फिर क्रिस्टलीय ठोस। अगर दोस्तों हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें, जिन्हें हम अमॉर्फस सॉलिड्स भी बोलते हैं, तो इनमें क्या होता है, इनमें भी एक फिक्स अरेंजमेंट होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ये हमारा अरेंजमेंट है तीन का, तो ये इसी को रिपीट करते हैं ये भी सेम, लेकिन ये जो रिपीटेशन होता है ये लॉन्ग डिस्टेंस तक नहीं होकर के एक शॉर्ट डिस्टेंस तक होता है, ओनली शॉर्ट डिस्टेंस तक, एक छोटी दूरी तक जिसे हम बोल सकते हैं, और यहाँ पर लंबी दूरी तक रिपीट हो रहे थे और यहाँ पे छोटी दूरी तक रिपीट होगा, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट।
दोस्तों क्या होता है अमॉर्फस, जो वर्ड होता है अमॉर्फस, इसका मीनिंग होता है नो फॉर्म। नो फॉर्म ये ग्रीक वर्ड है, इसका मीनिंग नो फॉर्म होता है। दैट मींस कि अक्रिस्टलीय ठोस के कोई एक फिक्स पार्टिकुलर शेप नहीं होती है। हम क्या करते हैं, एक ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इनके एग्जांपल क्या होते हैं। इसके एग्जांपल होते हैं जैसे कि हम बोल सकते हैं ग्लास, कांच जिसे हम बोलते हैं, क्योंकि ये एक ट्रू सॉलिड नहीं होता है। इसे हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोल सकते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। ये ट्रू सॉलिड्स नहीं होते हैं। अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं वो सही मायने में ठोस नहीं होते हैं, ये सुपर कूल्ड लिक्विड होते हैं। हम क्या करते हैं, इन दोनों की स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं एक बार कि किस प्रकार से ये अपने आप को एक फिक्स अरेंजमेंट में रिपीट कर रहे हैं। ये हमने ड्रॉ किया है आपके सामने, ये हमारे सामने है क्रिस्टलीय सॉलिड्स की, क्रिस्टलीय ठोस की संरचना, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि पर्टिकुलर जो ये शेप है, ये एक पर्टिकुलर शेप है, ये अपने आप को रिपीट कर रही है, एक लॉन्ग डिस्टेंस तक अपने आप को रिपीट कर रही है। जबकि ये हमारे सामने अमॉर्फस, दैट मीन्स कि अक्रिस्टलीय ठोस है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ये इसकी शेप डिफरेंट है, इस पार्ट की शेप डिफरेंट है, इस पार्ट की शेप डिफरेंट है। दैट मीन्स कि पर्टिकुलर शेप अपने आप को ज़्यादा डिस्टेंस तक रिपीट नहीं करती है। तो हमने देखा कि ठोसों को हम इस प्रकार से क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में डिवाइड कर सकते हैं। इनके हम एक टेबल देख लेते हैं दोस्तों, वो टेबल हमें बताएगी कि इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है क्रिस्टलीय की और अक्रिस्टलीय ठोस की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि शेप, इनके आकार के बारे में। तो ये हमारे क्रिस्टलीय ठोस हैं, क्रिस्टलीय ठोस, और ये हमारे दोस्तों हैं अक्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस हम लिख देते हैं यहाँ पर। तो शेप का हम बात करें दोस्तों, आकार की, तो इनकी आकार क्या होता है, डिफाइनाइट कैरेक्टरिस्टिक और जियोमेट्रिकल शेप होती है। क्रिस्टलीय ठोसों की एक पार्टिकुलर संरचना होती है, एक फिक्स ज्यामितीय संरचना होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की इरेगुलर शेप होती है। दैट मीन्स कि कुछ फिक्स शेप नहीं होती है, कोई फॉर्म फिक्स नहीं होती है, इरेगुलर इनकी शेप होती है। मेल्टिंग पॉइंट, गलनांक की दोस्तों हम बात करते हैं, गलनांक, तो क्रिस्टलीय ठोसों के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो एक शार्प होते हैं, उनका मतलब एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। और इनका जो कैरेक्टरिस्टिक जो होता है वो टेम्परेचर के साथ में एक फिक्स, मतलब कि हाँ इतना इसका इतना ही बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, फिक्स इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। एक फिक्स जैसे कि 100 डिग्री पे मेल्ट होगा तो वो 100 डिग्री पे ही होगा, 95 डिग्री पे मेल्ट होगा, एक फिक्स इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स के, अक्रिस्टलीय ठोस के दोस्तों, ग्रेजुअली ये सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है, जब हम इसे हीट करते हैं, तो ये धीरे धीरे पहले मेल्ट होता है, एक रेंज ऑफ जैसे कि ये 80 डिग्री से 90 डिग्री तक मेल्ट होगा। जबकि यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, हमने ये कोई हमारे पास में क्रिस्टलीय सॉलिड है तो हमने इसको हीट किया तो ये एक फिक्स कि ये 99 तक तो एकदम सॉलिड थे, और जैसे ही 100 डिग्री टेम्परेचर पहुंचेगा ये अचानक से पूरे मेल्ट हो जाएंगे। समझे आप, शार्प का मतलब एक पॉइंट आएगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा, उस पर ये मेल्ट हो जाएंगे। जबकि यहाँ पर ये धीरे धीरे एक रेंज, जैसे कि 10 डिग्री का हम रेंज ले लें तो ये एग्जांपल के लिए, इससे फिक्स नहीं कि 10 डिग्री के रेंज में ही होगा, तो एक रेंज में ये धीरे धीरे मेल्ट होते हैं, पहले सॉफ्ट होते हैं और फिर मेल्ट होते हैं। क्लीवेज प्रॉपर्टी दोस्तों हम देखते हैं इनकी, कि इनके अंदर किस प्रकार की मतलब क्लीवेज प्रॉपर्टीज होती है। तो जब हम इन्हें किसी भी शार्प, जैसे कि हम एग्जांपल ले लें, हम इन्हें नाइफ से, हम चाकू से हम इन्हें काटते हैं, तो इनको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं अगर काट करके, तो जो नई सरफेस जो जनरेट होती है वो प्लेन होती है और स्मूद होती है। जैसे कि ये हमारे पास में कोई क्रिस्टलीय सॉलिड था, ओके, ये कोई हमने बॉक्स ले लिया, क्रिस्टलीय सॉलिड है, तो हमने इसको चाकू से यहाँ से काट दिया, ये हमने कट कर दिया, तो ये जो दो सर्फेसिस बनेंगी, एक इधर वाली और एक इधर वाली, ये जो सर्फेस बनेगी, सतह बनेगी, ये प्लेन होगी, एकदम प्लेन होगी और स्मूद होगी, ओके, एकदम प्लेन और स्मूद, खुरदरी सतह नहीं होगी। जबकि अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस को उसी प्रकार से किसी चाकू से काटे, जैसे कि ये कोई अक्रिस्टलीय ठोस है हमारे सामने दोस्तों, और हमने इसे चाकू से काटा, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो इनकी रेगुलर शेप्स बनेगी, जो दो पार्ट्स हम बनाएंगे वो इरेगुलर शेप बनेगी। इस तरीके से प्लेन और स्मूथ नहीं होगी इनकी सरफेस, बल्कि इरेगुलर शेप हमें निकल के आएगी। अगर हम हीट ऑफ फ्यूजन की बात करें, तो हीट ऑफ फ्यूजन इनकी एक डिफाइनेट कैरेक्टरिस्टिक होता है, तो इनकी एक फिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होती है, किसकी, क्रिस्टलीय ठोस की। जबकि अगर हम अक्रिस्टलीय ठोस की बात करें तो इनकी कोई फिक्स नहीं होती है, कोई फिक्स डिफाइनाइट हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होती है। एनिसोट्रॉपी की बात करें दोस्तों, तो एनिसोट्रॉपिक होते हैं,
क्रिस्टलीय सॉलिड्स जो होते हैं वो नेचर इनका एनिसोट्रॉपिक होता है, जबकि एक्रिस्टलीय ठोस का नेचर आइसोट्रॉपिक होता है। हम पूरा इनका दोस्तों कंपैरिजन करके चल रहे हैं। उससे क्या होता है, कंपैरेटिव स्टडी जब हम करते हैं तो हमें सबसे ज़्यादा याद रहता है। ये याद करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप कंपैरिजन करके पढ़ो, ताकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप कंफ्यूज नहीं हो कि ये क्रिस्टलीय सॉलिड का प्रॉपर्टी था या फिर ये अक्रिस्टलीय सॉलिड्स की प्रॉपर्टी थी। तो इस हिसाब से हम स्टडी करें ताकि हमें याद रहे। तो एनिसोट्रॉपी में क्या है, क्रिस्टलीय ठोस जो होंगे वो एनिसोट्रॉपिक होंगे, जबकि एक्रिस्टलीय ठोस होंगे वो एनिसोट्रॉपिक नहीं होकर के क्या होंगे, आइसोट्रॉपिक होंगे। नेचर की हम बात करें दोस्तों, तो ये अपने आप में ट्रू सॉलिड्स होते हैं, वास्तव में ये ठोस होते हैं, जबकि जो एक्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो छद में ठोस होते हैं, स्यूडो सॉलिड्स होते हैं। इन्हें हम सुपर कूल्ड लिक्विड भी बोलते हैं, अति शीतित द्रव भी हम इन्हें बोल सकते हैं। इनके दोस्तों अगर हम ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स की बात करें, कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट किस प्रकार से होता है, तो ये हमने पहले पढ़ा था कि लॉन्ग रेंज तक, लंबी दूरी तक इनका रिपीटेशन होता है एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट का, जबकि एक्रिस्टलीय ठोस में छोटी दूरी तक, बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस तक उसका रिपीटेशन होता है, किसका, एक फिक्स अरेंजमेंट का। तो दोस्तों हमने ये आंतरिक संरचना के आधार पर कि उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर किस प्रकार की होती है, ठोसों का वर्गीकरण पढ़ लिया क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में। हमने इनकी सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देख ली, शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टी, हीट ऑफ फ्यूजन, एनिसोट्रॉपी, नेचर और इनका ऑर्डर इन अरेंजमेंट। यहाँ से क्वेश्चन बनेगी, पूरी पूरी संभावना है, तो आप एक एक प्रॉपर्टी को अच्छे से याद कर लीजिएगा और इस टेबल का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि आपको बहुत यूजफुल रहने वाले एग्जाम में। अब दोस्तों हम देखते हैं फोर्सेस के बेसिस पे इन्हें कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो हमने यहाँ पर देखा था हमारी प्रीवियस स्लाइड में, फोर्सेस के बेसिस पे, बलों के आधार पर इन्हें हमने चार भागों में डिवाइड किया है, आयनिक क्रिस्टल, सहसंयोजक क्रिस्टल, धात्विक क्रिस्टल और आण्विक क्रिस्टल। ये हमारे सिलेबस में है ठोसों का वर्गीकरण, तो हम इन्हें एक एक को, चारों को, आयनिक, सहसंयोजक, धात्विक और आण्विक, चारों को हम अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आयनिक क्रिस्टल्स के बारे में। आयनिक क्रिस्टल के बारे में, ये आयनों से बने होते हैं, दैट मीन्स कि इनके जो पार्टिकल होते हैं, जैसे कि हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ये हमारे पास में है कोई आयनिक क्रिस्टल, ओके। तो ये इनके जो पार्टिकल होंगे जिनसे ये बने होंगे, ये आयन होंगे, या तो धनायन होंगे या फिर ऋणायन होंगे या फिर बोथ, दोनों हो सकते हैं। आयन होंगे, मॉलिक्यूल या फिर एटम नहीं होंगे, क्या होंगे, आयन होंगे। एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई, अर्थात धनायन और ऋणायनों से, ओके। क्रिस्टलीय संरचना में धनायन, एक धनायन, ओके, एक धनायन अनेक ऋणायनों से घिरा होता है, दैट मीन्स कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा कोई धनायन है, ये हम एक क्रिस्टल की स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो यहाँ पे ऋणायन होगा, इधर भी ऋणायन होगा, इधर भी ऋणायन होगा। अब मैंने यहाँ पर चार ड्रॉ किए, दैट मीन्स नहीं कि हर एक में चार ही होंगे, किसी में दो हो सकते हैं, छः हो सकते हैं, आठ हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है क्रिस्टल स्ट्रक्चर पे। तो एक धनायन एक से अधिक, मतलब कई ऋणायनों से घिरा होता है, ओके। आगे हम देखते हैं इन आयनों के बीच में स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होता है, ओके, स्थिर वैद्युत आकर्षण बल, दैट मीन्स कि ये बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेस होते हैं, ये वाले, सॉरी, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में नहीं होगा, नेगेटिव और पॉजिटिव, धनायन और ऋणायन के बीच में होंगे स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। और ये बहुत स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं, स्ट्रांग फोर्सेज होंगे तो डेफिनेटली इनके जो गलनांक और क्वथनांक होंगे, दैट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट इनके और मेल्टिंग पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा हाई होंगे, उच्च होंगे, क्योंकि स्ट्रांग फोर्सेस से बर्न है, उस फोर्सेस को तोड़ने के लिए हमें ज़्यादा हीट की जरूरत होगी, इसीलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे दोस्तों, दोनों ही हाई होंगे। ठोस अवस्था में ये कुचालक होते हैं विद्युत के। अब आप देखिए, सारे जो भी धनायन ऋणायन है एक दूसरे से घिरे हुए हैं, यहाँ पर एक और पॉजिटिव हो जाएगा और नेगेटिव, एक दूसरे से घिरे हुए हैं, कोई भी फ्री स्टेट में नहीं है। और हम जानते हैं कि विद्युत के चालन के लिए फ्री स्टेट में, मतलब कि मुक्त अवस्था में, आयन का होना जरूरी है, और यहाँ पे तो है ही नहीं, तो ये विद्युत का चालन कर ही नहीं सकते, सिंपल सी बात है, इसीलिए क्या हो जाएंगे, विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि ये ठोस अवस्था में, जब तक ये सॉलिड रहते हैं तब तक ही विद्युत के कुचालक रहते हैं, लेकिन अगर हम इन्हें हीट करें, इन्हें मेल्टिंग पॉइंट तक हम हीट करें, और अगर ये मेल्ट हो गए, कौन, आयनिक सॉलिड्स, तो मेल्टिंग स्टेट में, गलित अवस्था में,
इनके आयन क्या हो जाएंगे, मुक्त अवस्था में आ जाएंगे। अब जब आयन फ्री स्टेट में आ गए, तो हम जानते हैं जब आयन फ्री स्टेट में होते हैं तो विद्युत का चालन होता है, तो उस अवस्था में ये भी विद्युत का चालन कर पाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए कि आयनिक सॉलिड्स मेल्ट अवस्था में क्या विद्युत का चालन करते हैं, आपके माइंड में रहेगा नहीं आयनिक क्रिस्टल तो विद्युत का चालन करते ही नहीं, लेकिन आपको क्या याद रखना है, गलित अवस्था में करते। तो यहाँ से कंफ्यूजन हो सकता है हमें, एग्जामिनर हमें यही कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। आप ध्यान दें दोस्तों, जो नॉर्मल प्रॉपर्टीज होती है वहाँ से क्वेश्चन कम पुट होते हैं, और जहाँ कुछ भी डिफरेंस आ जाता है, कुछ भी इंटरेस्टिंग आता है, वहाँ से क्वेश्चन पुट ज़्यादा होते हैं। अगर हमारा पेपर एग्जामिनर डिफिकल्ट बनाना चाहे तो इसी प्रकार से बनाता है, थोड़ा सा कुछ डिफरेंट देके, तो हमें उसी डिफरेंट तरीके से पढ़ते हुए चलना है, उसी तरीके से सोचते हुए चलना है, ताकि हम एग्जाम को क्रैक कर सकें। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम आयनिक सॉलिड्स के, जैसे कि NaCl। यहाँ पर Na एक छोटा सा पॉजिटिव आयन होता है, और किन हम देखते हैं कोवेलेंट सॉलिड्स के बारे में, सह संयोजक क्रिस्टल, कोवेलेंट सॉलिड्स। तो दोस्तों इनमें क्या होता है, कोवेलेंट सॉलिड्स में, दैट मीन्स कि सह संयोजक क्रिस्टल्स में नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं दोस्तों, इनके जो पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये बने होते हैं, वो नॉन मेटल्स होते हैं, नॉन मेटल्स जिन्हें कि हम बोलते हैं अधात्विक। ओके, अधात्विक इनके पार्टिकल्स होते हैं, आप याद रखना इस चीज़ को, अधात्विक, क्योंकि इनके बीच में जो सहसंयोजक बंध होंगे वो अधात्विक के बीच में ही होंगे। इस प्रकार के क्रिस्टल अणुओं या परमाणुओं से बने होते हैं। पिछले वाले किससे बने थे, आयन से बने थे। एक आपको मैं इंपॉर्टेंट बात बता दूँ, एक तो हम बायलिंगुअल लेकर के चलने की कोशिश कर रहे हैं कि ना तो हिंदी वालों को प्रॉब्लम हो समझने में, ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम हो। वैसे राजस्थान में हमारे ज़्यादातर हिंदी मीडियम वाले ही हैं, तो लेवल स्टैंड के अकॉर्डिंग उस हिसाब से हम हिंदी पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। बाकी हमारी पूरी कोशिश है कि इंग्लिश मीडियम वालों को भी हमारे लेक्चर समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी मैं आपको बात बता दूँ, जहाँ भी आपको तीन चार चीज़ें सेम मिले, जैसे कि आप पढ़ोगे आयनिक सॉलिड्स, उसके बाद में कोवेलेंट सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स, तो अब चारों आप पढ़ लोगे तो आपको लगेगा ये चारों की प्रॉपर्टीज़ में कन्फ्यूजन हो रहा है, किसका मेल्टिंग पॉइंट उच्च था, क्या किससे बना हुआ था। तो आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो, क्योंकि जब हम चारों को कंप्लीट करेंगे, चारों के बारे में डिटेल स्टडी हम कर चुके होंगे, तो हम बनाएंगे एक टेबल एज यूजुअल, जैसा हम अपने हर लेक्चर में करते हैं, हम चारों की कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे। आप उस टेबल का स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपको मेरी गारंटी है आपको हर एक प्रॉपर्टी अच्छे से याद हो जाएगी। और इंटरेस्टिंग बात कि टेबल में हम खुद से लिखेंगे अपना पिछला याद, क्योंकि हमने इसमें क्या पढ़ा था, इस प्रॉपर्टी के बारे में क्या पढ़ा था। आप बिल्कुल भी, आप यहाँ पर बस पढ़ते जाइए, और जब लास्ट में चारों जब खत्म हो जाएंगे, जब चारों के हम कंपैरेटिव टेबल बनाएंगे, तो आप खुद से उस टेबल को फिल करवाने की कोशिश कीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं, हम क्या पढ़ रहे थे, सहसंयोजक क्रिस्टल ये अणुओं और परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, आयन से नहीं, किससे, ये अणुओं से और परमाणुओं से, मॉलिक्यूल से और एटम से मिलकर बने होते हैं। अणुओं के बीच में प्रबल सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, इसके जो भी पार्टिकल्स होते हैं सहसंयोजक क्रिस्टल्स के, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग सहसंयोजक बंध, दैट मीन्स कि कोवेलेंट फोर्सेस मिलते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई सहसंयोजक क्रिस्टल है, इसके ये दो पार्टिकल्स हैं, तो इनके बीच में मिलेंगे हमें सहसंयोजक बंध या फिर कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसीलिए इनकी जो प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए इनकी कोवेलेंट टाइप की होती है। इनके अतिरिक्त अणुओं के मध्य दुर्बल आकर्षण बल पाए जाते हैं, सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं, साथ ही साथ इनके बीच में दुर्बल आकर्षण बल, दैट मीन्स कि वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस पाए जाते हैं, जबकि आयनिक सॉलिड्स में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, यहाँ पर थोड़े वीक अट्रैक्टिव फोर्सेस होते हैं। और इनके जो गुण होते हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया, इनकी प्रॉपर्टी सहसंयोजक यौगिकों के समान होती है। इस प्रकार के ठोस कठोर और भंगुर होते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजिड होते हैं और ब्रिटल होते हैं, भंगुर का मतलब ब्रिटल, जैसे कि वो टूट जाते हैं बहुत जल्दी। इनके गलनांक अत्यधिक उच्च होते हैं, इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं इनके बीच में, और विद्युत के कुचालक होते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आएगा वो आएगा फ्रेंड्स ग्रेफाइट का, क्योंकि सारे जो सहसंयोजक क्रिस्टल होते हैं वो विद्युत के कुचालक होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके एग्जाम्पल है जैसे कि हीरा, ग्रेफाइट और सिलिका सहसंयोजक क्रिस्टल्स के। लेकिन जो ग्रेफाइट होता है उसकी संरचना किस प्रकार से होती है दोस्तों, यहाँ पर हम ग्रेफाइट की संरचना ड्रॉ कर लेते हैं। इस प्रकार से ग्रेफाइट की संरचना होती है, ये सिक्स हैं, एक बार मैं पूरी संरचना ड्रॉ कर देती हूँ आपके सामने। प्रकार से लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं ग्रेफाइट की संरचना में, जैसे कि ये एक परत है, ये दूसरी परत है, ये एक दूसरे के ऊपर ये परतें होती हैं। तो दोस्तों ये सारे क्लोज पैक्ड हमें दिख रहे हैं पार्टिकल्स, लेकिन इनके बीच में क्या होता है, फ्री आयन्स होते हैं, मुक्त अवस्था में इनके बीच में आयन्स होते हैं। तो वो जो मुक्त अवस्था में आयन होता है वो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, विद्युत का चालन करने का काम करता है, और यही वजह है कि जो ग्रेफाइट
लाइट होते हैं, विद्युत के चालक होते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अराइज होता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर सहसंयोजक जो क्रिस्टल की प्रॉपर्टी से क्वेश्चन आता है तो वो जनरली यहीं से आता है। तो दोस्तों क्या होता है, ग्रेफाइट को होना चाहिए विद्युत का कुचालक, लेकिन ग्रेफाइट होता है विद्युत का सुचालक, क्योंकि इसमें जो लेयर्स होती हैं उनके बीच में आयन्स पाए जाते हैं फ्री स्टेट में, और ये आयन्स विद्युत का चालन करते हैं। तो हमने पढ़ लिया। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको सहसंयोजक क्रिस्टल के बारे में बता दूं, इन्हें हम जियांट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जियांट मॉलिक्यूल भी कहते हैं। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन इस नाम से आ जाए कि जियांट मॉलिक्यूल किस टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं, तो वो कोवेलेंट सॉलिड्स होते हैं, कोवेलेंट सॉलिड टाइप के क्रिस्टल्स होते हैं। सेकंड हम पढ़ते हैं धात्विक क्रिस्टल्स के बारे में, थर्ड मेटेलिक सॉलिड्स। ये क्या होते हैं दोस्तों, इनमें धनावेशित आयन इलेक्ट्रॉन के अभ्र में रहते हैं। दैट मीन्स कि ऑर्डरली अरेंज्ड पॉजिटिव आयन्स रहते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, यहाँ पर इस नाम से भी आ सकता है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में रहते हैं ऑर्डरली अरेंज पॉजिटिव आयन्स। दैट मीन्स कि धनावेशित आयन इलेक्ट्रॉन के अभ्र में रहते हैं। इलेक्ट्रॉन अभ्रों के कारण इनके मध्य प्रबल बंध पाए जाते हैं, तो इनके बीच में जो फोर्सेज होते हैं धनायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो फोर्सेज होते हैं वो होते हैं बहुत ही स्ट्रांग फोर्सेज होते हैं, बहुत प्रबल बंध पाए जाते हैं, जिन्हें हम मेटेलिक बॉन्ड दैट मीन्स कि धात्विक बॉन्ड भी बोलते हैं, इन्हें मेटेलिक बॉन्ड भी हम बोलते हैं। स्ट्रांग फोर्सेज होंगे, और अब इनके बीच में हमने देखा धात्विक बंध होते हैं, तो इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टी होती है, गुणधर्म होते हैं, वो भी धातुओं के समान होते हैं, मेटल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। इनके एग्जाम्पल है जैसे कि सोडियम, कॉपर, आयरन और सिल्वर, ये सभी एग्जाम्पल किसके हैं, धात्विक सॉलिड्स के हैं, धात्विक क्रिस्टल्स के हैं। उच्च विद्युत एवं तापीय चालकता प्रदर्शित करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, किस प्रकार से करते हैं, देखो दोस्तों हमारे सामने ये पॉजिटिव आयन है, अब ये इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में। अब जो पूरा क्रिस्टल होगा इसमें ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉजिटिव आयन होंगे जो इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड होंगे, तो अब इनमें जो क्रिस्टल है एक आयन के एक एटम के पास में एक इलेक्ट्रॉन होता है लगभग, या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है। तो अब दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अगर हम इन्हें हीट करें, हीट करें, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल करके इंटरस्टिशियल में चले जाएंगे, अंतराकाशी में चले जाएंगे हम कह सकते हैं, तो इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में हो जाते हैं, हीट करते हैं हम बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाते हैं, मुक्त अवस्था में आ जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में आ जाएंगे तो ये कंडक्टिविटी शो करेंगे, विद्युत की चालकता शो करेंगे, और इलेक्ट्रॉन के फ्री होने की वजह से ही जब इनको हीट करते हैं तो जो तापमान होता है, हीट होती है, वो एक जगह से दूसरी जगह पर इजीली ट्रांसफ़र हो जाती है, इसीलिए इनकी जो तापीय चालकता होती है, तो इसीलिए विद्युत चालकता होती है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से, और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से इनकी तापीय चालकता होती है। इसके अलावा एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है दोस्तों, इनकी कलर और इनकी शाइनिंग, लश्यो जिसे बोल सकते हैं, इनकी शाइनिंग और इनका कलर होता है वो भी मुक्त इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही होता है। धातुएं अत्यधिक अधात्य वर्धनीय होती है और तन्य होती है, तन्य होती है दैट मीन्स कि इनको हम इनको वायरिंग हम इनका कर सकते हैं, और ये अधात्य वर्धनीय भी होती हैं, हाईली मैलिएबल भी हम इन्हें बोल सकते हैं, और डक्टाइल, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ भी मेटल्स की पाई जाती है। ये हमने मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है कि किस प्रकार से सी ऑफ इलेक्ट्रॉन में पॉजिटिव आयन्स रहते हैं, ये कंडक्टिविटी शो करते हैं हीट की और इलेक्ट्रिसिटी की, इनकी एग्जाम्पल्स देख लिए। आगे हम नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों मॉलिकुलर क्रिस्टल्स के बारे में, आणविक क्रिस्टल्स के बारे में। इनके अवयवकण अणु होते हैं, सबके अवयवकण अलग अलग आ रहे हैं, आप याद रखिएगा, वैसे टेबल में हम सारा एक साथ देख ही लेंगे, और उनके मध्य में वैन डेर वाल्स फोर्सेज होते हैं, वैन डेर वाल्स फोर्सेज वीक फोर्सेज होते हैं हम जानते हैं, जो कि दुर्बल बंध है, तो डेफिनेटली इनके जो गलनांक और जो क्वथनांक होंगे वो कम होंगे, यहाँ पर दिखा भी है। ये नरम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, सॉफ्ट क्यों होंगे, क्योंकि इनके बीच में जैसे कि इसके दो पार्टिकल्स हैं, इसके बीच में वैन डेर वाल्स फोर्सेज हो गए। अब वैन डेर वाल्स जो बल होते हैं वो दुर्बल फोर्सेस होते हैं, वीक फोर्सेस होते हैं, अब वीक फोर्सेस होंगे तो ये सॉफ्ट होंगे, इनको ब्रेक करना, इनको एक दूसरे से सेपरेट करना इजी होगा, और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो भी कम होंगे, कम क्यों होंगे, क्योंकि दुर्बल बंध है। इसके बाद इनकी जो वाष्पन की ऊष्मा होती है वो भी कम होती है, ईजीली ये वेपराइज हो जाते हैं। अब जब फोर्सेज ही दुर्बल हो गए, सिंपल सी बात है, तो सारी चीज़ें इनकी प्रॉपर्टीज़ कम कम होती जाएंगी, और विद्युत की चालकता ये नहीं दर्शाते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। किसमें दोस्तों, आयनिक क्रिस्टल्स के बीच में। इनके एग्जाम्पल हम देखें तो इनके एग्जाम्पल में होते हैं आयोडीन और सॉलिड शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है कि शुष्क बर्फ किसे बोलते हैं, तो बोलते हैं हम ठोस CO2 को शुष्क बर्फ बोलते हैं, कई बार कई एग्जाम्स में क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
और आयोडीन, ये सभी इसके एग्जाम्पल होते हैं। दोस्तों आयनिक जो क्रिस्टल्स हैं वो एक इंपॉर्टेंट बात है, तीन तरीके के होते हैं, एक दो और तीन, हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं। तो पहले जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन पोलर, नॉन पोलर। दूसरे होते हैं पोलर, अध्रुवीय, अध्रुवीय हम नोट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी रहे, अध्रुवीय, ध्रुवीय। और तीसरे दोस्तों होते हैं हाइड्रोजन बॉन्डेड। तीनों के हम एग्जांपल और इनकी सेपरेट सेपरेट प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, क्योंकि अगर बहुत डीप में क्वेश्चन आया तो यहाँ से आ सकते हैं। बाकी ये हम पूरा एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं आपके लिए, तो यहाँ से ज़्यादा डीप में क्वेश्चन जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। और अगर फिर भी जाता है तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो नहीं आएगा वो बाकी लोगों को भी नहीं आएगा, क्योंकि इससे बाहर कोई भी स्टडी नहीं करने वाला, और एग्जामिनर एनसीईआरटी से बाहर तो कभी भी नहीं देगा। आप इस बात को ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ ली, एनसीईआरटी अपने अच्छे से पढ़ ली, तो आपका सिलेक्शन पक्का होगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि सिलेक्शन लायक मार्क्स इवन 80-90% जो पेपर बन के आएगा वो एनसीईआरटी से ही बनकर आएगा। तो हम नॉन पोलर क्रिस्टल्स की प्रॉपर्टी के बारे में देख लेते हैं। नॉन पोलर मॉलिकुलर सॉलिड्स जो होते हैं किस प्रकार के होते हैं, ये या तो एटम्स के बने होते हैं, जैसे कि आर्गन या फिर हीलियम, आर्गन या फिर हीलियम एटम्स के बने होते हैं, या फिर दोस्तों ये बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के, कौन से मॉलिक्यूल्स के, फॉर एग्जांपल जैसे कि H2 Cl2 I2, जैसे हमने अभी एग्जांपल भी देखा था कि आयोडीन के एग्जांपल होते हैं। तो या तो ये बने होते हैं एटम्स के, या फिर ये बने होते हैं मॉलिक्यूल्स के, परमाणुओं के या फिर अणुओं के बने होते हैं नॉन पोलर सॉलिड्स। इनके बीच में दोस्तों लंदन फोर्सेस होते हैं, कौन से बल होते हैं, लंदन फोर्सेस होते हैं इनके पार्टिकल्स के बीच में, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। इसके बाद में दोस्तों अगर हम देखें तो इनकी प्रॉपर्टीज़ में इनके मेल्टिंग पॉइंट कम होते हैं, तो हम पूरे जब मॉलिक्यूलर सॉलिड्स के बारे में देख चुके हैं, तो नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन के तीनों में भी इसी प्रकार के हमें प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी। मेल्टिंग पॉइंट इनके कम होते हैं, सॉफ्ट होते हैं ये, और दोस्तों अगर रूम टेम्परेचर हम बात करें कि अगर रूम टेम्परेचर पर ये लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में रहते हैं, कि हाइड्रोजन रूम टेम्परेचर पर लिक्विड या फिर गैसेस स्टेट में रहती है, सिंपल सी बात है, क्लोरीन भी गैसेस स्टेट में रहती है, तो रूम टेम्परेचर पे या तो गैसेस स्टेट में रहेंगे या फिर लिक्विड स्टेट में रहेंगे। पोलर सॉलिड्स के बारे में दोस्तों बात करें तो ये मॉलिक्यूल जैसे कि HCl या फिर SO2 इस प्रकार के मॉलिक्यूल से बने होते हैं, और इनके बीच में दोस्तों कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में, यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। और दोस्तों ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ये एक दूसरे से थोड़े ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाइपोल मोमेंट, इसको हम नोट कर लेते हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट है, डाइपोल इंटरेक्शंस इनके बीच में होते हैं, सॉरी मोमेंट बोल दिया था, डाइपोल इंटरेक्शंस इनके बीच में होते हैं थोड़े स्ट्रॉन्ग, यहाँ पे नॉन पोलर के कंपैरिजन में थोड़े स्ट्रॉन्ग डाइपोल इंटरेक्शंस होते हैं। दोस्तों ये भी नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करते और सॉफ्ट होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं और सॉफ्ट होते हैं, दैट मीन्स कि विद्युत के कुचालक होते हैं और नरम होते हैं। इनके दोस्तों हम एग्जाम्पल देख ही लिया, इसके अलावा NH3 भी इसी टाइप का कुछ एग्जाम्पल है, अमोनिया भी पोलर सॉलिड्स का ही, पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का ही एग्जाम्पल है। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की हम बात करें तो इनमें क्या होता है दोस्तों, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, कैसे टाइप के बॉन्ड होते हैं, पोलर कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जबकि यहाँ पर डाइपोल इंटरेक्शन से, नोट कीजिएगा थोड़ा डिफरेंस है इनमें, लेकिन वही डिफरेंस इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहीं से क्वेश्चन पुट होता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं वो इस प्रकार के, जैसे कि H और F है, या फिर H और O है, H और N है, इस टाइप के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स पाए जाएंगे, और इनके बीच में पोलर कोवलेंट बॉन्ड होंगे, पोलर होंगे और कोवलेंट बॉन्ड होंगे। और इसमें दोस्तों हाइड्रोजन बॉन्ड पाए जाते हैं, ये भी नॉन कंडक्टर्स होते हैं, वही यहाँ भी ये भी कुचालक होते हैं दोस्तों, जनरली सॉलिड स्टेट में कुचालक होते हैं, और दोस्तों ये जनरली रूम टेम्परेचर पे वोलेटाइल लिक्विड्स या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, किस प्रकार के, वोलेटाइल लिक्विड्स या फिर सॉफ्ट सॉलिड्स। तो हमने इन चारों को दोस्तों देख लिया है, आण्विक क्रिस्टल्स, आयनिक क्रिस्टल्स, धात्विक क्रिस्टल और सहसंयोजक क्रिस्टल्स। अब हम क्या करते हैं, इन चारों की एक बार कंबाइंड प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, उससे क्या होगा, उससे हमें पूरा अच्छे से याद रह जाएगा कि किसकी क्या प्रॉपर्टी थी, कौन कंडक्टिविटी शो कर रहा था, कौन नहीं कर रहा था, किसके कौन से कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स थे, किस टाइप के बॉन्ड्स थे, ये सभी हमें याद हो जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स हमने देखा था तीन टाइप के थे, नॉन पोलर, पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, लास्ट में हमने पढ़ा, तो ये तो हमें अच्छे से बहुत अच्छे से याद है। तो जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं दोस्तों ये मॉलिक्यूल्स के बने होते हैं, तो चाहे नॉन पोलर टाइप के हो, चाहे पोलर टाइप के हो, चाहे हाइड्रोजन बॉन्डेड टाइप के हो, सभी मॉलिक्यूल्स से बने होंगे, दैट मीन्स कि अणुओं से बने होंगे,
आयन या फिर परमाणुओं से नहीं बने होंगे। हम इनके बीच में बलों की बात करें दोस्तों, किस प्रकार के बल होते हैं? तो सबसे पहले नॉन पोलर में किस प्रकार के बल होते हैं? नॉन पोलर मतलब कि अध्रुवीय, इनमें बल होते हैं दोस्तों लंदन फोर्सेस। हमने यहाँ पे अभी अभी पढ़ा था लंदन फोर्सेस इनके बीच में होते हैं, लंदन बल इनके बीच में होते हैं। पोलर के बीच में दैट मीन्स कि ध्रुवियों के बीच में दोस्तों किस प्रकार का था? तो इनके बीच में था डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन इनके बीच में था। और तीसरे थे हाइड्रोजन बंद टाइप के, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड थे, वो तो हमने देखा ही था H और N के बीच में, H और O के बीच में तो हाइड्रोजन बॉन्ड थे। एग्जाम्पल हम देख लेते हैं अध्रुवीय के, अध्रुवीय के एग्जाम्पल होंगे जैसे कि ऑर्गन CCl4। ध्रुवीय के एग्जाम्पल हम देख लेते हैं दोस्तों, ध्रुवीय के एग्जाम्पल होंगे HCl, SO2। ऑर्गन CCl4 के अलावा दोस्तों H2, I2, ये भी इस प्रकार के भी अध्रुवीय के एग्जाम्पल होंगे। ध्रुवीय के HCl और SO2 एग्जाम्पल हमने देखे थे। और हाइड्रोजन बॉन्डेड, हाइड्रोजन बंद टाइप के जो एग्जाम्पल होंगे वो होंगे जैसे कि हमारे सामने है वाटर, H और O के बीच में, या फिर आइस भी हम बोल सकते हैं क्योंकि आइस के बीच में ही हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, वाटर स्टेट में हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। फिजिकल नेचर की हम बात करते हैं तो अध्रुवीय जो होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। ध्रुवीय भी दोस्तों सॉफ्ट होते हैं, दैट मीन्स कि नरम होते हैं, जबकि जो हाइड्रोजन बॉन्डेड होते हैं वो हार्ड होते हैं, आइस हार्ड होती है, हम जानते हैं अच्छे से। कंडक्टिविटी दोस्तों, तीनों के तीनों ही कुचालक होते हैं, इंसुलेटर होते हैं ये तीनों ही, पोलर नॉन पोलर और हाइड्रोजन बॉन्डेड, तीनों ही इलेक्ट्रिसिटी का चालन नहीं करते, विद्युत का चालन नहीं करते हैं। दोस्तों हम इनकी बात करें मेल्टिंग पॉइंट की, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं नॉन पोलर के वो बहुत ही कम होते हैं, वेरी लो होते हैं, क्योंकि इनके बीच में लंदन फोर्सेस होते हैं। पोलर के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं दोस्तों वो भी लो होते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्डेड के जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं वो भी लो होते हैं। ये मैं आपको सबसे ज़्यादा जो लेवल जा सकता है उतना आपको डीप में पढ़ा रही हूँ, इससे ज़्यादा लेवल बिल्कुल भी नहीं जाने वाला है पेपर का, आप यकीन करिएगा। और ये जो हम टेबल ड्रॉ कर रहे हैं, आप इसको अपने आप से खुद फिल करवाने की कोशिश कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप खुद से इसको फिल करने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको पता लग जाएगा कि आपको चारों टाइप के सॉलिड्स अच्छे से याद हो गए हैं। आयनिक सॉलिड्स किससे बने होते हैं? ये आयन से बने होते हैं। इनके बीच में कौन से बल होते हैं? कूलाम्बिक फोर्सेस, कूलाम वाले बल होते हैं, या फिर हम इन्हें बोल सकते हैं विद्युत स्थिर विद्युत आकर्षण बल, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इनके एग्जांपल दोस्तों जैसे कि सोडियम क्लोराइड, MgO या फिर ZnS, ये सभी इसी के एग्जाम्पल है। इनका दोस्तों अगर हम फिजिकल नेचर देखें तो ये हार्ड होते हैं, दैट मीन्स कि ये कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं, ब्रिटल होते हैं, ब्रिटल का मतलब होता है आसानी से ये टूट जाते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें दोस्तों, इसमें दो प्रॉपर्टीज़ हमने देखी थी, एक तो सॉलिड स्टेट में और एक द्रव अवस्था में, लिक्विड अवस्था में जब हम इन्हें मेल्ट कर देते हैं। तो सॉलिड स्टेट में तो ये थे दोस्तों कुचालक, मतलब कि इंसुलेटर, जबकि द्रव अवस्था में ये चालन कर पा रहे थे, क्योंकि यहाँ पर द्रव अवस्था में फ्री इलेक्ट्रॉन आ पा रहे थे हमारे सामने, या फिर एक्वस सॉल्यूशन में भी हम बोल सकते हैं कि ये विद्युत का चालन करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों इनके बहुत ही हाई थे। अब बात करते हैं हम धात्विक सॉलिड्स की, मेटेलिक सॉलिड्स की, तो इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो होते हैं दोस्तों पॉजिटिव आयन इन ए सी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट मीन्स कि इलेक्ट्रॉन के अभ्र में धनायन। इसके बाद में दोस्तों हम इनके बीच में बंध देखें तो धात्विक बंध थे, दैट मीन्स मेटेलिक बॉन्ड्स थे। एग्जाम्पल दोस्तों वो हमने देखे थे आयरन, कॉपर, सिल्वर वगैरह वगैरह। इसके बाद में दोस्तों फिजिकल नेचर की हम बात करते हैं तो ये बहुत ही कठोर होते हैं, लेकिन मैलिएबल और डक्टाइल होते हैं। मैलिएबल और डक्टाइल मतलब कि तन्य होते हैं और आधात्यवर्धनीय होते हैं, आधात्यवर्धनीय मैलिएबल और डक्टाइल, और इसके अलावा दोस्तों कठोर होते हैं, हार्ड होते हैं। दोस्तों इनके हम इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात करें तो ये कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और लिक्विड स्टेट में भी होते हैं। क्या होते हैं? विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि इनके बीच में इनमें ये जो इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। मेल्टिंग पॉइंट दोस्तों इनके बहुत ही हाई, काफ़ी हाई, फेयरली हाई हम बोल सकते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। कोवलेंट नेटवर्क, कोवलेंट सॉलिड्स और नेटवर्क सॉलिड्स भी इन्हें हम बोलते हैं, इस नाम से भी आ सकता है आपका, याद रखिएगा। सहसंयोजक टाइप के ठोस, इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे वो थे एटम्स, मतलब कि परमाणु थे हमारे सामने, हमने इनका स्टडी किया था। इनके बीच में जो बल थे वो थे दोस्तों सहसंयोजक बल थे, इनके बीच में
सहसंयोजक बल थे। इनके एग्जाम्पल हमने देखे थे क्वार्ट जिसका एग्जाम्पल था SiO2 जिसे हम बोलते हैं, इसके अलावा दोस्तों इनका डायमंड भी इनका एग्जाम्पल था, ग्रेफाइट इनका एग्जाम्पल था, हीरा और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी दोस्तों, ये विद्युत का चालन क्यों करता है। इनकी दोस्तों हम फिजिकल नेचर की बात करें तो ये सॉफ्ट होते हैं, ओके सॉफ्ट होते हैं, ग्रेफाइट सॉफ्ट होता है दोस्तों, क्वार्ट्ज जो होता है और हीरा जो होता है ये हार्ड होता है। तो इनमें हम कह सकते हैं कुछ तो क्रिस्टल सॉफ्ट होते हैं और कुछ हार्ड होते हैं। इनकी कंडक्टिविटी की बात करें दोस्तों तो ये इंसुलेटर होते हैं, कुछ चालक होते हैं, जबकि जो ग्रेफाइट था ये एक्सेप्शनली अपवाद स्वरूप क्या था, चालक था। मेल्टिंग पॉइंट की दोस्तों हम बात करें तो इनकी काफ़ी हाई, वेरी हाई इनके मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। सबसे ज़्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट हाई होते हैं वो कोवलेंट सॉलिड्स के ही होते हैं। तो हमने चारों टाइप के सॉलिड्स अच्छे से डिटेल में पढ़े, उसके बाद हमने पूरे का रिवीजन किया है। आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा।